आज मैं आया हूँ राता सीडी महाराष्ट्र के अंदर अभय मशीनरी स्टोर। जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, स्टार एग्रीकल्चर वर्क्स जो कि अपना भक्ता भाई के विलेज के अंदर स्थित है, पंजाब के अंदर उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टार ब्रांड मल्टीक्रॉप थ्रेसर जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंदर आते हैं और उनके ऑथोराइज डीलर है अभय मशीनरी स्टोर जो कि राता के। किसान भाई ये 2024 के लेटेस्ट मॉडल है, संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, इन मशीनों पर आपको महाराष्ट्र के अंदर 50% तक सरकारी सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक इन मशीनों पे आपको सरकारी सब्सिडी मिलने वाली है। अगर किसी भी प्रकार से आपको थोड़े बहुत पैसों की दिक्कत है तो लोन की सुविधा भी अभय मशीनरी स्टोर पर हो जाएगा। और किसान भाई इनके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं जो आपको बखूबी पसंद आने वाली है। सबसे पहले आप दो मॉडल देख पा रहे हैं, S40 S44, इन दोनों मॉडलों में क्या फ़र्क है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जो आप ब्लू कलर के अंदर देख पा रहे हो, इसका जो ड्रम साइज रहेगा वो 40 इंची का रहने वाला है। और ब्लेड की बात करें इसके अंदर, तो इसमें 175 यानी कि 175 ब्लेड रहने वाली है। आप ये रेड कलर वाली मशीन देख पा 44, तो इसके अंदर जो ड्रम साइज रहेगा वो 44 इंची का रहेगा। और ब्लेड की बात करें तो इसके अंदर 200 ब्लेड रहने वाली है, जो कि आपके गीले माल के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर गीले माल की बात करें कि कितना परसेंट ये मशीन गीला माल निकालेगा, तो ये दोनों मशीनें 25 से 30% वाला गीला माल निकाल दे। अब फसल की बात करें तो ये दोनों मशीन भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देगी, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। ये मशीन सी बेल्ट के अंदर आती है, और ये रेड वाली जो मशीन है इसके अंदर जितनी भी बेल्टें यूज हुई है डी ग्रुप वाली यूज हुए, जो कि आपको सालों साल तक चलेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रैक्टर की बात करें तो ये दोनों मशीनें मिनिमम 40 HP ट्रैक्टर से ऑपरेट होगी। अब मशीन के फीचर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें आगे जो पुल्ली है वो सिंगल बेल्ट के अंदर 3 ग्रुप वाली, यानी कि इस मशीन के फैन की स्पीड आप अपनी इच्छानुसार 3 स्पीड से आप इस मशीन को चला सकते हैं। जैसे रेड वाली की तरफ आते हैं तो इसके अंदर आगे जो आपको बेल्ट मिलती है वो डी ग्रुप वाली मिलती है, और इस मशीन में सारी बेल्टें डी ग्रुप की मिलेगी। इसके अंदर भी आपको पुल्ली में 3 ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि इस मशीन को भी आप 3 स्पीड से चला सकते हो। केवल जब आप सूखी फसल निकालते हो, जैसे कि जीरा हो गया, धनिया हो गया, तो उसके अंदर RPM पंखे के RPM कम और ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वो आप इसके आगे वाले सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो ट्रैक्टर का आपका जॉइंट वाला सिस्टम है, इसे भी आप अपनी इच्छानुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स मिलता है, और इस मशीन में आपको 3 व्हील मिलते हैं जिससे कि आपके ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता। व्हील की क्वालिटी जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही हेवी क्वालिटी के हैं, जैसे कि तीनों व्हील की बात करें तो तीनों व्हीलों का वेट समान है, जिससे कि मशीन पे बैलेंस बना रहे, ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़े। आप ये एलिवेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको हैंडल वाला सिस्टम मिलता है, इसके माध्यम से आप ट्रॉली के अंदर सीधा माल ले सकते हैं, और कट्टे बोरी के लिए आपको यहाँ पर सिस्टम मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, माल की सफाई किस प्रकार लोगे वो जानकारी दे। आप ये फैन जो देख पा रहे हैं, इधर से आपकी फसल आएगी, ये फैन हवा फेंकने का काम करता है। इसको आप अपनी इच्छानुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो कि कितनी हवा करनी है, कितनी कम करनी है, वो आप अपनी इच्छानुसार जब फसल आप निकालोगे तो आप अपनी इच्छानुसार करोगे। ये फैन जो आप अंदर वाला देख पा रहे हो, ये मशीन 4 फैन के अंदर आती है। ये वाला जो आप फैन देख पा रहे हो, ये हवा उठाता है, यानी कि अगर आपकी फसल के साथ हल्का फुल्का कचरा आ रहा है तो ये उठाने का काम करेगा। अगर फैन की बात करें तो 1 फैन 2 फैन 3 फैन 4 फैन, ये 4 फैन के नाम से जानी जाती है। ये वाला जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम है। जब आप नीचे तिरपाल विरपाल बिछाओगे, कुछ हल्के फुल्के दाने गिर जाते हैं, तो इसके माध्यम से आप ग्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे अगली तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेल्ट के अंदर 2 पुलियाँ देखने को मिलती है। जब आप गीला माल निकालते हो तो आपको क्या करना है कि ड्रम के RPM ज़्यादा करना, वो इसके माध्यम से होगी। नीचे वाली पुल्ली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो मशीन के ड्रम के RPM सबसे ज़्यादा नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी, तो ड्रम के RPM कम। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, बेल्टों को एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको हैंडल वाला सिस्टम मिलता है, जो कि आपको समय की बचत करेगा। यहाँ पर आपको एक व्हील और देखने को मिलता है, और ये वाला जो सिस्टम आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप अपने ड्रम और ब्लेड की डिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो प्ले हैंडल आप देख पा रहे हो, इसके माध्यम से आप ये निर्धारित कर सकते हो कि ड्रम से चालने पे माल कितना गिराना है, यानी कि इसे ड्रम वो जाल रहेगी, उसकी प्लेट यानी कि जाल प्लेट रहने वाली। टायर की बात करें तो 12/4/28 की इसमें आपको हेवी टायर मिलते हैं, जिसके माध्यम से उबड़ खाबड़ वाले रस्तों में जब आप जाओगे तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे ही इसकी पीछे की तरफ आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, इसमें आपको रिवर्स फॉरवर्ड वाला सिस्टम मिलता है। इस हैंडल के माध्यम से आप ड्रम चौक होने की दिक्कत आती है तो उस ढक्कन को ओपन करके वापस माल रिटर्न कर सकते हो, और इस वाले हैंडल के माध्यम से आप पूरी मशीन को रिवर्स कर सकते हो। आप अब ये डोली के देखिए, डोली की हाइट कितनी नीची है, जिससे अपने लेबर मजदूर जो भी काम करेंगे उनको आसानी रहेगी। दाने वाने भी बचते हैं माल, इसके माध्यम से भी आप वापस उसे निकाल सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके गीले माल को अंदर लेकर जाएंगे,
तो यहाँ पर आपको चेन वाला सिस्टम मिलता है और इस पर जो प्लेट लगी हुई है ये खंजी प्रकार से लगी हुई है, जो कि कितने भी प्रकार से गीला माल हो अंदर जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मशीन की बात करें तो नाइट में काम करने के लिए भी आपको यहाँ पर लाइट वाला सिस्टम मिलता है। किसान भाई, हमने जानकारी दी थी कि ड्रम की आरपीएम किस प्रकार आपको कम और ज़्यादा करने, अगर आपको डोली की आरपीएम कम ज़्यादा करने है तो आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो इसके माध्यम से कर सकते हो। और किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर देख के आपको चेन वाला सिस्टम मिलता है। आपके गेयरबॉक्स से जब ये मशीन चलेगी ऊपर माल लेकर जाएँ, यहाँ पर चेन वाला सिस्टम जिसके माध्यम से आपकी मशीन में बहुत ही हेवी क्वालिटी हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक व्हील आपको इस तरफ देखने को मिलता है, एक तरफ उस तरफ, एक व्हील आपको आगे की तरफ देखने को मिलता है। और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और आप ये जो वापस रिटर्न पाइप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्वालिटी देगी, टेक्नोलॉजी देगी, जो बड़ी कंबाइनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, चेन वाला उसमें पट्टे वाला सिस्टम है, जिससे के माध्यम से आपका माल वापस पीछे की तरफ जाएगा तो दाना फोड़ने से दिक्कत नहीं आएगा। कई मशीनों में वर्म आता है लेकिन इसके अंदर चेन वाला और पट्टे वाला सिस्टम दिया गया है, जो कि बहुत ही शानदार है। फैन की हमने बात कर ली, चार फैन के अंदर ये मशीन आती है। और ये देखिए, जब आप बारीक फसल निकालते हो, जीरा की फसल निकालते हो, धनिया की फसल निकाल, अगर आपको लगता है कि हल्का फुल्का 1% एक दाना भी माल वो अपने भूसे में माल जा रहा है, तो इस वाले सिस्टम को भी आप बंद कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। और आपको ये दो फैन इस तरफ मिलते हैं, एक फैन यहाँ पर मिलता है और एक फैन जो आपकी सफाई के काम में आएगा वो आपको यहाँ पर मिलता है। इस फैन की हवा कम ज़्यादा आप इसके माध्यम से कर सकते हो, और उधर से जब वो फैन हवा फेंकेगा, इधर डूलियों के साथ अगर हल्का फुल्का दाना आएगा तो वो इसके माध्यम से यहाँ पर टकराए के इस वाले सिस्टम के माध्यम से पीछे चला जाएगा। और गीले माल निकालने के लिए यहाँ पर आपको ये देखिए कि दो सापट इसके अंदर डाली गई है चालने पर, उस पर खंजियाँ लगाई हुई, जब आपका चालना हिलेगा उस पर माल वो बिखेर देगा तो चालना चौक होने जैसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको इस मशीन में नहीं आने वाली। किसान भाई, मैंने इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी कि स्टार के जो दो मॉडल है S40 और S44, इसमें आपको 40 इंच का ड्रम साइज मिलता है जिसमें 175 ब्लेड रहने वाली है। इसके अंदर आपको 44 इंच का ड्रम साइज मिलने जिसमें 200 ब्लेड रहने वाली है। कितने HP ट्रैक्टर, दोनों मशीनें 40 HP ट्रैक्टर से ऑपरेट होगी। इसमें आपको सी बेल्ट मिलती है, इसमें आपको डी बेल्ट। तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, अभय मशीनरी स्टोर जो कि राता सीडी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो और इन मशीनों के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हो कि हमें किस प्रकार मिलेगी, किस प्रकार बुकिंग करवाना है, हम कंपनी में किस प्रकार विजिट कर सकते हैं, ऑल डिटेल। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सभी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।